फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज सोनी फ्रॉम सोनीज कॉर्नर। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये सुपर सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी चिकी सीखने वाले हैं, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाती है। तो चलिए, बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी। मुंह में घुल जाने वाली चिकी के लिए हमें चाहिए तिल, मूंगफली, कुछ हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और गुड़ चाहिए हमें। आधा कप हमने तिल लिए हैं, आधा कप मूंगफली चाहिए, कुछ हमें ड्राई फ्रूट चाहिए, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने काजू लिए हैं और पिस्ता लिया है, और एक कप हमने गुड़ लिया है जिसमें सादा गुड़ है, और कलर के लिए हमने देसी गुड़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं चिक्की बनाना। जिस कंटेनर में हमने चिक्की को जमाना है उसको हम तैयार कर लेते हैं पहले। ये हमने स्क्वायर केक का टिन लिया है और इसके अंदर हम बटर पेपर लगाएंगे। ये हमने देसी घी से बटर पेपर को भी ग्रीस कर लिया है। पैन को हमने गरम कर लिया है और इसके अंदर तिल डालेंगे हाफ कप। गैस बिल्कुल स्लो पर है और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं करना, हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। जब फूल जाएंगे तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारे तिल फूल गए हैं और देखिए आवाज आनी शुरू हो गई है। अभी हम इसे दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। अभी हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। अभी हम इसमें सेम डालेंगे, इसको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। छिलके उतरने शुरू हो गए हैं और हमारी मूंगफली जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से छिलके निकलने शुरू हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारी मूंगफली जो है वो रोस्ट हो गई है। ये मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है। अभी इसको हम इस तरीके से मसल के छिलके उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसल कर सारे छिलके उतार दिए हैं और इन छिलकों को सेपरेट करने के लिए हम एक छन्नी लेंगे और छन्नी की मदद से बहुत आराम से हम छिलकों को सेपरेट कर सकते हैं। छन्नी में डालकर हम आसानी से छिलकों को सेपरेट कर सकते हैं। ग्राइंडिंग जार के अंदर हम मूंगफली को डालकर कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। रुक रुक कर हमें मिक्सी को चलाना है और इसको ग्राइंड करना है। कॉन्टिन्यूसली नहीं चलाना, अगर कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे तो इसमें से ऑयल निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने मूंगफली को कोर्स ग्राइंड कर लिया है। इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो अभी हम तिल को कोर्स ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने तिल को भी कोर्स ग्राइंड कर लिया है, इसको हम इसके साथ ही मिला देंगे। हम ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़े से रखेंगे गार्निशिंग के लिए। ये हमने पैन को गैस के ऊपर रख दिया है और गैस हमने स्लो पे रखी है और इसके अंदर अभी हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। घी हमारा मेल्ट हो गया है और इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे। और धीमी आंच पर ही हमें इसे मेल्ट करना है। हमें गुड़ का पाया नहीं बनाना, बहुत ज्यादा इसे गैस के ऊपर नहीं रखना। जब ये पिघल जाएगा अच्छे से तो गैस को हम बंद कर देंगे। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसके अंदर ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अभी स्टेज पर ही हम सब पाउडर मिक्स कर देंगे जो हमने बनाकर रखा है, और गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे गुड़ के साथ। और ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है, बहुत लेट नहीं करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे।
ये हमने तैयार करके जो रखा हुआ है बर्तन, इसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो इस मिक्सचर के आप लड्डू भी बना सकते हो, बर्फी की तरह भी इसको हम सेट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उसकी तरीके से आप इसको बना सकते हो। इस तरीके से किसी भी चम्मच से या कटोरी को भी आप यूज कर सकते हो इसको दबाने के लिए। सेट होने के बाद इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट चिक्की तैयार हो गई है। अभी इसको हम कट कर लेंगे इस स्टेज पर, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसको कट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको अभी हम कट करके सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने चिक्की को काट दिया है और इसको अभी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारी चिक्की सेट हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल आएगी। तो ये देखिए हमारी चिक्की बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इसको आपको मैं तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट है। इंस्टेंट और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली चिक्की को आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप बनाइए और अपनी फीडबैक जरूर मुझे दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।